बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम शुरू करे। आज की कविता इब्न बतूता, उसका नाम। बच्चों, मैं आरती शर्मा आज सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए पार्ट 4 से लेकर आए हैं इब्न बतूता। ओके बच्चों, ये है आज की कविता इब्न बतूता। हम थोड़ा और भी इब्न बतूता कविता को मजे के साथ गाएंगे। कैसे? ये है आपकी इब्न बतूता। ओके, ये इब्न बतूता और ये है उसका जूता। जो कि थोड़ा मजा ले और जल्दी लर्न हो जाए, इसलिए चलते हैं कविता करने इसके साथ। तो बच्चों, ये कौन है? इब्न बतूता। यही है आज की कविता। तो चलो शुरू करें। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो बच्चों, ये थी आज की कविता। अब हम टेक्स्ट बुक में फिंगर रखकर इसी कविता को फिर से रीडिंग करेंगे। तो चलो रीडिंग के तरफ। आपके पाठ्य पुस्तक गुंजन, लेसन नंबर 4, इब्न बतूता। इब्न बतूता कविता एक हास्य कविता है, जो कि अभी हमने एक क्रिएटिविटी के साथ याद किया। अभी इसको रीडिंग करेंगे और उसके भावार्थ भी समझेंगे। इस पर कुछ चर्चा की गई है बच्चों, कि जब तेज हवा के साथ बारिश भी आती है तो क्या होता है? जब तेज हवा के साथ बारिश आती है उसे ही तूफान कहते हैं। और आंधी, जहाँ तेज हवा चलती है खूब, तो बाहर निकल जाए आंधी में तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी चीज़ें उड़ने लगती है, खूब तेज हवा लगता है ना? तो इब्न बतूता वह नाम का जो व्यक्ति था, वो भी तेज तूफान में बाहर निकल गए। तो क्या हुआ उनके साथ? चला कविता में देखते हैं अभी हम, और उसके अर्थ भी समझते हैं। तो इब्ने बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। तूफान क्या था? जो जोर की आंधी के साथ बारिश आती है उसे तूफान कहते हैं। तो इब्न बतूता अब तूफान में बाहर निकल गए। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। थोड़ी हवा जिस तरह से उनके नाक में घुस गए हैं, और कुछ हवा कान में। तो क्या होता है आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता। मलते मतलब उसको, जैसे आपको अगर नाक में कान में हवा चला जाए तो क्या करोगे? उसको रगड़ोगे ना, उसको मलोगे। उसी तरह से इब्न बतूता भी कर रहे थे। कभी नाक को मल रहे थे, कभी कान को मल रहे थे। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उनके पैरों का जूता पैर से निकल गया। तो फिर आगे क्या होता है? उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्ने बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। उड़ते उड़ते, चूंकि मैंने आपको पहले भी बोला यह एक हास्य कविता है बच्चों, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन हंसने के लिए एक हंसी वाली कविता है ये। तो उड़ते उड़ते क्या हुआ? जूता उनका कहाँ पहुंचा? जापान में। राइट, देखो ये इसका जूता उड़ रहा है, इनका उड़ गया जूता, और वो पहुंचा कहाँ? जापान में। फिर इब्न बतूता, ये जो इब्न बतूता थे वो कहाँ खड़ा रह गया? मोची की दुकान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो इस तरह से हमने बच्चों आज क्रिएटिविटी के साथ थोड़ा लर्न भी किया और इसके भावार्थ भी समझे। आपको भी घर पर इसको लर्न करना है। जब क्लास में आओगे तो आप हमें इसी तरह से सुनाना। ओके, चलो इस पर आधारित शब्दार्थ है, शब्द अर्थ, जो कि हम थोड़ा लर्न करते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं, इसलिए कि हम कविता को और भी अच्छे से समझ सकें। राइट, तो तूफान क्या होता है? जोर की आंधी के साथ बारिश आना उसे कहते हैं तूफान। मोची, जूतों की मरम्मत करने वाला,
ओके, तो आपके जूते जब खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसकी मरम्मत करने के लिए आप कहाँ जाते हो? मोची, मोची के पास, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉबलर। अभी देखो तीसरा, दुकान, दुकान जहाँ बेचने के लिए चीज़ें रखी जाती हैं। शॉप, इंग्लिश में से शॉप बोलते हैं, कोई भी चीज़ बेचने के लिए रखी गई, जैसे वो कपड़ा हो गया, खाने की चीज़, जूते, ये जो भी चीज़ें आपकी बेचने के लिए जिस जगह पे रखी जाती है उस जगह को दुकान कही जाती है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने अर्थ समझा, और ये है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब होता है अच्छे से उसको पढ़ना और लिखना। हवा, 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 नाक, नाक, कान, कान, पैरों, पैरों, दुकान, दुकान, तूफान, तूफान। देखो यहाँ नुक्ता लगा है, इसलिए इसको कभी भी फा नहीं पढ़ना, तूफान नहीं, तूफान, जिसमें फ में हल्की दांत के सहारे आप बोलोगे हवा निकलेगा, तूफान, है ना। तो इसको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना, क्योंकि ये श्रुतलेख है। तो आज लिखना आपको सिर्फ इतना ही है कि रफ बुक में आप इसको लिखें और कविता लर्न करें। ओके बच्चों, तो हमने आज कविता लर्न की। तो बच्चों, इस प्रकार से पाठ चार, आज इब्न बतूता कविता को हमने रीडिंग किया, और थोड़ा और भी क्रिएटिव तरीके से, है ना। तो आए होंगे आपको मजे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।